हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ टीवीएस का एंटॉर्क रेस एक्सपी एडिशन है। इसका आज मैं फुल आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो इसमें आपको ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ आपको वाइजर देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको साइड में आपको ब्लैक मैट फिनिश के साथ मिल जाता है, और साइड में आपको हजार्ड लाइट्स की ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही साथ इसके इंडिकेटर की आपको ऑप्शन मिल जाती है। थोड़ी नीचे चलेंगे, इसमें आपको एक TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी अच्छा लुक इसमें आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके नीचे आपको हेडलाइट देखने की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि इसमें आपको DRL भी मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें हाई बीम और लो बीम की ऑप्शन मिल जाती है। इसमें आपको फ्रंट प्रोफाइल में एंटोर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको देखने को मिलती है। आपको एलोय रिम देखने की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको रेड पेंट के साथ एलोय व्हील काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लगती है। और इस टायर की हम बात करें तो इसमें आपको TVS कंपनी के टायर प्रोवाइड की जाती है। और इसकी हम टायर की साइज़ की बात करें तो आपको इसमें टायर की साइज 100/80/12 की आपको टायर देखने को मिल जाती है, फ्रंट और बैक की। और हम बात करें इसके डिस्क की, तो इसमें आपको 220mm की डिस्क मिल जाती है। साथ ही साथ हम रियर की बात करें तो इसमें आपको 130mm की रियर की ब्रेक मिल जाती है। अब हम बात करें इसके सस्पेंशन की, तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाती है विथ हाइड्रोलिक टेम्पर्स के साथ आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करें इसके फ्रंट की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आपको एक एंटोर्क लिखी हुई एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक लगती है। और इसमें आपको RTFI की एक ब्रांडिंग मिल जाती है, और उसके नीचे एक काफ़ी स्टाइलिश लुक में आपको 125 रेस XP देखने को मिल जाती है, वो काफ़ी लुक को एनहेंस करती है। अब हम बात करें इसके लेफ्ट साइड के हैंडल बटन की, तो चलिए आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या आपको फंक्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आपको हाई बीम और लो बीम की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको एक पास लाइट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और इसके नीचे आपको इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है। साथ ही साथ इसके हॉर्न की ऑप्शन आपको लास्ट में प्रोवाइड की जाती है। अब चलते हैं इसके राइट साइड के बटन में, आप दिखाते हैं आपको क्या क्या इसमें देखिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ इंजन कट ऑफ स्विच की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको हजार्ड लाइट की ऑप्शन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको पावर स्टार्ट के साथ साथ इसमें आपको दो मोड की ऑप्शन मिल जाती है, जो कि आप दो बार इसे प्रेस कीजिएगा तो इसमें एक स्पीड मोड और एक स्पोर्ट मोड आपको रेस मोड देखने को मिल जाती है। सो गाइस, अब चलते हैं इसके मीटर में और बताते हैं कि इसमें आपको क्या क्या फंक्शन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आपको एक लेफ्ट साइड में एक इंडिकेटर की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको एक पासिंग लाइट की ऑप्शन मिल जाती है, और इसमें आपको इको पावर की ऑप्शन ग्रीन लाइट देखने को मिल जाती है, और ये आपको एक वार्निंग की ऑप्शन मिल जाती है। राइट साइड में बात करें तो इसमें आपको राइट साइड का इंडिकेशन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको लो फ्यूल की इंडिकेशन मिल जाती है, इंजन माल फंक्शन की इसमें आपको इंडिकेशन देखने को मिलती है। अब इसके मीटर की हम बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, जो कि यहाँ देखिए आपको एक ट्रिप ए, ट्रिप बी और ऑडो मीटर देखने को मिल जाती है। और इसमें जो यहाँ आप देख रहे हैं ये इंजन कितनी हीट होती है उसके यहाँ आपको बैलेंस बताएगा, और यहाँ आपको दो मोड देखने को मिलती है, एक स्पीड मोड और एक रेस मोड आपको देखने की प्रोवाइड की जाती है। और साथ ही साथ यहाँ देख रहे हैं यहाँ आपको फ्यूल की इंडिकेशन देखने को मिल जाती है, यहाँ आपको 0 km/h की यहाँ स्पीड देखने को मिल जाएगी, और टोटल हमारा गाड़ी अभी 200 km चली हुई है, यहाँ आपको टाइमिंग देखने की ऑप्शन मिल जाती है। और रेस मोड में ये होता है कि जैसे ही हमें रेस मोड डाला तो इसमें आप कितना स्पीड में, कितना मिनट में, कितना एवरेज में आप ये चलाएं, तो यहाँ आपको देखिए कितना एवरेज स्पीड यहाँ दिखा रहा है 22 km/h, और टॉप स्पीड मैंने चलाया 55 km, और टाइमिंग कितने में चलाया 3:35 तक मैंने चलाया, वो सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है रेस मोड पर। इसमें आपको एक हैंगर देखने को भी मिल जाती है।
अब बात करें इसके सीट हाइट की, तो इसमें आपको 770 mm की सीट हाइट प्रोवाइड की जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल सीट आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करें इसके साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आपको 3 टोन में रेड, व्हाइट और ब्लैक के 3 टोन में आपको कलर फिनिशिंग के साथ यहाँ एक हैंगर देखने को मिल जाती है। और साथ ही साथ यहाँ हम बात करें तो इसमें आपको एक TVS रेसिंग की आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करें इसके फुट रेस्ट की, तो इसमें आपको अल्यूमिनियम की फुट रेस्ट देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इसके साइलेंसर की, तो इसमें आपको CVTI RE लिखी हुई एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ इसके साइलेंसर की हम बात करें तो ये आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। और हम बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो ये काफ़ी मजबूत साइलेंसर आपको प्रोवाइड की जाती है। अब हम इसकी फ्यूल टैंक की बात करें, तो इसमें आपको काफ़ी स्पोर्टी लुक में फ्यूल टैंक देखने को मिल जाती है, जो कि आप बैठे बैठे आप इसे आराम से खोल सकते हैं। और हम बात करें इसके ग्रेब हैंडल की, तो इसमें आपको मेटालिक ग्रेब हैंडल देखने को मिल जाती है, वो भी मेट फिनिश के साथ। हम बात करें इसके लेफ्ट साइड की फुटरेस्ट की, तो इसमें आपको मेटालिक फुटरेस्ट देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इसके बैक प्रोफाइल की, तो सबसे पहले आपको यहाँ एक LED लाइट देखने को मिल जाती है, बैक लाइट। और साथ ही साथ इसके नीचे साइड आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में आपको इंडिकेटर प्रोवाइड की जाती है, वो भी हजार्ड लाइट के साथ, जो आप देख रहे हैं अभी जल रही है। और हम बात करें इसके नीचे आपको नंबर प्लेट की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको मडगार्ड की भी ऑप्शन मिल जाती है। अब हम बात करें कि इसको आपको फ्यूल टैंक इसका खोलते कैसा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो खोलने का जो मैकेनिज्म है, इसे आपको यहाँ डालना है और लेफ्ट साइड जैसे आप टर्न करिएगा तो ये आपका फ्यूल टैंक खुल जाएगा। और हम इसका सीट को जैसे ही इसका राइट साइड टर्न करेंगे तो ये हमारा सीट खुल जाएगा, जो कि काफ़ी स्पेशियस आपको यहाँ प्रोवाइड सीट किया जाता है, जो कि 22 लीटर की इसमें आपको स्पेस मिल जाता है। और बात करें इसमें आपको देखिए यहाँ एक OBD की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ इसमें आपको USB चार्जर पोर्ट देखने को ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ आपको LED एक बल्ब भी देखने को मिल जाती है, जो कि रात में काफ़ी काम आती है। अब हम इसकी मैक्सिमम टॉर्क की बात करें, तो 10.5 NM की टॉर्क मिल जाती है, जो कि 5500 RPM प्रोवाइड की जाती है। और पावर की हम बात करें तो 9.38 PS, जो कि 7000 RPM आपको मिल जाती है। इस एंटॉर्क में आपको एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आपको 3-valve सिलेंडर आपको प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ इसमें आपको किल स्विच के भी ऑप्शन मिल जाता है। अब हम बात करें इसके फ्रंट से लेकर बैक की लेंथ की, तो आप इसमें आपको 1861 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। अब विथ की बात करें, तो इसमें आपको 710 mm की विथ प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके हम हाइट की बात करें, तो इसमें आपको 1164 mm की हाइट मिल जाती है। इसकी हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 155 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 5.8 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी टैंक देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें इसके व्हील बेस की, तो इसमें आपको 1285 mm की व्हील बेस प्रोवाइड किया जाता है। अब हम बात करें इसके कर्व वेट की, तो इसमें आपको 116 kg की कर्व वेट मिल जाती है। अब आते हैं इसके मेन मुद्दे पर, तो इसके बात करते हैं इस TVS एंटॉर्क 125 cc BS6 की माइलेज की। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके सिटी का जो माइलेज है, कंपनी क्लेम करता है 54 km/L और इसके हाईवे पे क्लेम करता है 55 km/L, जो कि ये कंपनी ने बताया है कि कंपनी क्लेम करता है 54 km/L या 55 km, इतना ही इसकी माइलेज देती है ये। अब हम बात करें इसके गाड़ी की रोड प्राइस की, तो इसमें आपको ऑन रोड प्राइस 1,10,000 के करीब आपको ये पड़ जाएगी। तो गाइस अब हम इसका इंजन स्टार्ट करके देखते हैं कि इसका साउंड तो क्वालिटी कैसा है, और आपको मैं सुनाता हूँ। तो गाइज आप मेरे वीडियो यहाँ तक देखें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज, बाय।